इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबरों की ओर डालेंगे नजर। जी हां, आपको बता दें कासगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर अपराधियों के द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आपको बता दें जहां योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अपराधों को खत्म करने का प्रयास कर रही है, प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, वारदातों को पूर्ण रूप से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिला सुरक्षा की बात की जाती है, किंतु वास्तविकता में यदि अपना ध्यान केंद्रित किया जाए महिला सुरक्षा पर, तो कहीं ना कहीं अपराधों में कमी होने के स्थान पर अपराधों में बढ़ोतरी जरूर नजर आ रही है। कासगंज का ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर अपराधियों के द्वारा घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। लड़की की चीख पुकार के बाद मौके पर परिजन पहुंचे और जिसको देखकर मौके से फरार हुए आरोपी, जिसके वाला पुलिस प्रशासन लगा है जांच पड़ताल में। दिखाते हैं आवाज न्यूज 24 की खास रिपोर्ट। लड़की की चीख पुकार मचाने के बाद परिजनों को आता देख भागा आरोपी। पीड़िता के घर में घुसकर दबंग ने किया दुष्कर्म का प्रयास। पीड़िता ने थाना सावर में तहरीर देकर कार्रवाई की है मांग। आरोपी की तलाश में जुटी सावर पुलिस। थाना सावर क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है मामला। क्या घटना हुई आपके साथ? हम छत पे थे, तो छत पे नहीं, जैसे दबंग आया नहीं था लड़का, तो जैसे नहीं हम छत पे थे, उसने मेरी कोरिया भर ली थी। फिर क्या हुआ? तो फिर वो ऐसे ही वो छेड़ने लगा था, तभी मैं एकदम चिल्लाने लगी, तभी फिर जैसे कि सब लोग आ गए थे छत पे, तभी एकदम वो छत पे से कूद के भाग गया।